चीन के साथ विवाद के बीच भारत सरकार ने मौजूदा समय के सबसे पॉपुलर गेम पबजी समेत 118 ऐप बैन कर दिए हैं। जून महीने से लेकर अब तक केंद्र सरकार 200 से ज्यादा ऐप्स को बैन कर चुकी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि गेमिंग मार्केट में पबजी के ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं। पबजी बैन होने पर हम आपको उन गेम्स के बारे में बता रहे हैं जो कि पबजी का ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये भी जान लीजिए कि आप पबजी खेल सकते हैं। पबजी मोबाइल भारत में बैन हो चुका है, लेकिन पबजी डेस्कटॉप या पबजी पीसी बैन नहीं हुआ है। दरअसल पबजी साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल का है, लेकिन पबजी मोबाइल में चीनी कंपनी टेसेंट का बड़ा स्टेक है, इसलिए डेटा को लेकर खतरा बना हुआ था। क्योंकि पबजी डेस्कटॉप अभी भी साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल के तहत ही आता है, इसमें चीनी कंपनी टेसेंट का स्टेक नहीं है। शायद यही वजह है कि भारत में पबजी मोबाइल तो बैन हो गया, लेकिन पबजी डेस्कटॉप बैन नहीं किया गया है। अब बात करते हैं पबजी के ऑप्शंस की। कॉल ऑफ ड्यूटी सबसे पुराने मोबाइल गेम्स में से एक है। इस गेम में शानदार ग्राफिक, इंटरैक्टिव गेम प्ले और अलग अलग लेवल्स वाले मिशन मिलते हैं। कुछ मामलों में तो इसे पबजी से भी ज्यादा बेहतर माना जाता है। फॉर्टनाइट एक पॉपुलर लेकिन विवादित गेम है। इस गेम को अमेरिका में प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से हटाया गया था, लेकिन इस गेम से जुड़ा हुआ विवाद रेवेन्यू को लेकर था। इस गेम को आप सिर्फ थर्ड पार्टी ऐप स्टोर के जरिए ही डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी पॉपुलर गेम के साथ उससे मिलते जुलते गेम भी मार्केट में आ जाते हैं। गरीना फ्री फायर इसी तरह का गेम है। गेम बहुत हद तक पबजी से मिलता जुलता है, हालांकि इनमें पबजी के जैसे बेसिक फीचर्स ही मिलते हैं। इस गेम को गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकता है। गरीना फ्री फायर आईफोन में भी डाउनलोड किए जाने के लिए उपलब्ध है। बैटल हैंड्स रॉयल ये एक मल्टीप्लेयर गेम है। इस गेम में एक समय पर अधिकतम 32 प्लेयर्स हिस्सा ले सकते हैं। हालांकि ये गेम पबजी के जैसा ज्यादा देर तक खेले जाने वाला गेम नहीं है, लेकिन इस गेम को खेलने के लिए आपके पास ज्यादा महंगा स्मार्टफोन होना जरूरी नहीं है।